नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके साथ शिवम। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आज एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखा है और साफ तौर पर यह दर्शाया है कि जिस तरह से पूरे बिहार में कोरोना संक्रमण के मामलों में अब गिरावट तो आ रही है, पर ऐसे में जिस तरह से बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था लचर है, उसको देखते हुए आज तेजस्वी यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखा है और साफ तौर पर यह भी कहा है कि पिछले 4 वर्षों से मैंने आपको कई पत्र लिखे हैं कि पर आपके द्वारा मुझे कोई जवाब नहीं आया है। हम आशा करते हैं कि इस पत्र का आप जवाब जो है ज़रूर देंगे। ऐसे में आपको बता दें कि जिस तरह से बिहार में कोरोना संकट को लेकर राजनीतिक पार्टियों के द्वारा जो बयानबाजी का दौर है वो भी जारी है, ऐसे में आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के लेटर पर सत्ता पक्ष के प्रवक्ताओं ने भी जोरदार हमला किया है। हम के राष्ट्रीय प्रवक्ता दानिश रिजवान और साथ ही साथ बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप वो सुने। देखिए, तेजस्वी यादव जी से आग्रह है कि इस बुरे वक्त में सियासत मत करें। आज उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को पत्र लिखकर कहा है कि वो समाज की सेवा करना चाहते हैं, उनको परमिशन दिया जाए। कल ही फेसबुक संवाद में उन्होंने आकर ये कहा कि जो लोग सेवा करके फोटो खिंचवा रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, वो ड्रामा कर रहे हैं। तो अगर वो लोग ड्रामा कर रहे थे तो आप अब उस ड्रामा में क्यों शरीक होना चाहते हैं? एक चीज साफ है कि बिहार में आम जनों की सेवा के लिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सदैव तत्पर है। सामूहिक किचन की व्यवस्था की गई है, तमाम लोगों को खाना मिल रहा है। अगर तेजस्वी यादव जी को लगता है कि वो सेवा के भाव से जनता के बीच में जाए तो वो जाए सामूहिक किचन में, लोगों को खाना परोसे, उनकी मदद करें। उलूल जुलूल पत्र लिखने से कोई फायदा नहीं है, बिहार की जनता उनकी हकीकत को समझ चुकी है। तेजस्वी यादव दूज की चांद की तरह नजर आते हैं। उनका काम केवल फेसबुक ट्विटर पर रहना, मीडिया में बने रहना, केवल इतना ही रह गया है और अब पत्र भी लिखने लगे हैं। तेजस्वी यादव जब कोरोना का चरम सीमा था उस समय गायब हो गए और दिल्ली में जाकर रिसोर्ट में आराम फरमा रहे थे, लोगों को नजर नहीं आ रहे थे। लेकिन जैसे ही कोरोना का संक्रमण का यह दौर थमा है, कम हुआ है, तो अब पत्र लिख रहे हैं कि मुझे इजाजत दीजिए लोगों के बीच में जाने के लिए। अरे, आप नेता प्रतिपक्ष हैं, आपको किसने रोका है? आप ना अपने क्षेत्र में जाते हैं, ना बिहार की जनता के बीच में जाते हैं। आपको अपना बचाव करना और अपनी चिंता रहती है, अपने परिवार की चिंता रहती है और अपने संपत्ति को बचाने की चिंता रहती है। कभी बिहार की चिंता आपने नहीं किया है और बिहार के लोगों का नहीं किया है। केवल जब वोट का समय आता है तो बड़ी बड़ी बातें कर कर करके और लोगों के बीच में जाते हैं और जब समाप्त हुआ वोट का, उसके बाद गायब हो जाते हैं। कई परिस्थितियां बिहार के अंदर में हुई है इसके पहले, उस समय भी आप गायब रहे, चाहे वो चमकी बुखार हो, गर्मी का समय हो, बाढ़ का समय हो और कोरोना का समय हो, हर समय आप गायब रहते हैं। जनता पहचान गई है, पत्र लिखने का से आप सस्ती लोकप्रियता हासिल कर सकते हैं, लेकिन जनता का विश्वास आपको नहीं मिल सकता है। तो आपने साफ तौर पर सुना हम के प्रवक्ता दानिश रिजवान की बयान और साथ ही साथ बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल का बयान। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आप तो बिहार के नेता प्रतिपक्ष हैं, नेता विरोधी दल हैं, आपको बिहार के जिस तरह से लगातार सरकारी अस्पताल को घूमना चाहिए था, अगर वहाँ किसी भी मरीजों को दिक्कत हो रही थी तो उनकी दिक्कतों को दूर करना था, पर जब बिहार में आपदा आती है तो आप बिहार को छोड़कर दिल्ली में रिसॉर्ट्स में बैठ के आराम करते हैं। वहीं साफ तौर पे हम के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने भी उन पर पलटवार किया है और कहा है कि जब अभी राजनीति करने का टाइम नहीं है, अभी सब लोगों को मिलकर काम करना चाहिए। अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखा है और जवाब भी मांगा है, ऐसे में सत्ता पक्ष ने उन पर पलटवार किया है, तो अब राजद की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया निकल कर आती है। बहरहाल, बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।